नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करूछि मु निवेदिता। एक बड़ो खबर जे लगातार भाबे आमे आपनकु देखै आसुछु जे जगतसिंहपुर नावगारे जेते बेले नरेगारे महा दुर्नीतिर कथा कुआगला अर्थात कोविड महामारी समय कहा पाखरे काम नाही समस्ते घरे बसुछन्ती सेबलेक समय रे केंद्र सरकार कहिले जो माने रहिछन्ती श्रमिक श्रेणीर लोक सेमानकु केमती काम जगाई दिया जिवो अर्थात जो माने घरे रहिछन्ती केमती दुई पैसा रोजगार करिवे जोंति पई नरेगा योजना रे सेमानकु काम दिया जिवो। किंतु किछ ओलटा चित्र सामना को आसिला जे रहिछि जगतसिंहपुर नावगारु जोठारे कि जो जॉब कार्ड धारी रहिछन्ती सेमानकु नरेगा योजना रे काम दिया गला ने जोथमे पाका पाके तीनोटी पंचायत बासे प्रतिवाद करथले सोरो उठाउथले। किंतु एमते चित्र सामना को आसिला जे जते बेले से माने सोरो उठाउछंती प्रतिवाद कहउछंती बीजेडी रो किछि गुंडा अर्थात किछि कुजि नेता आसी से मानको राती अधिया मारपीट करउछंती चार भांगी दउछंती। आ एमिति कि ए कथा मध्य को जाउछि अंबेडकर को फोटो जे रहिछि अंबेडकर जे हउछंती संविधान रो प्रणेता तांको फोटो को अपमान करा जाउछि तांको फोटो को तळे फपड़ी दैचकटी नष्ट करा जाइछि जा चित्र सामना को आसुछि जगतसिंहपुर नावगारोटी बड़ प्रश्न आसुछि जते बेले खोद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चिट्ठी लेखिथिले जे संविधान रे अहिंसा को स्थान दिया जाऊ कि भली बापे हिंसा को अपना जीवन संविधान रे अहिंसा को स्थान दिया जाऊ कि एवं एति पई से जातीय स्तर रे मध्य बेस प्रशंसा साउंटिथिले। तबे जते बेले खोद मुख्यमंत्री निजे चिट्ठी लेखुचंती प्रशंसा साउंटुचंती किंतु निज दोर कुजी नेता केभली भाबे सम्मान दउछंती संविधान रो प्रणेता को अंबेडकर को फोटो को दई चकटी नष्ट करउछंती। आउ गोटे पटे कथा होची जे मां को सम्मान कथा कहतबा खोद दल रो मुखिया तांको दल को दल रो दलीय कर्मी को एमति नीति शिक्षा दैछंती जे राती अधिया जाउछंती मां मानको जो माने लगातार 3 दिन धरी सोर उठाई आउछंती निजो हक पई दाबी करउछंती सेतेबेले तांको साढे ओटारी टणा ओटरा करी तांको माडो मारुछंती ए चित्र सामना को आसुची। तबे जदि कहबा जे जो जो व्यक्ति को नार अभिजोग आसुची जो माने माडो मारिथिबार जहां आमे लगातार भाबे आपन को देखाउछु जे केमती जो महिला माने बसीथिले लगातार 3 दिन धरी तांको किभळी व्यवहार प्रदर्शन करा जाउची रात्य दिया माडो मरा जाउची एवं चार टेबल भांगी दिया जाउची तंबू उपाडी फिंगी दिया जाउची एबडी तमाम चित्र सामना को आसुची। आ विशेष करि जदि देखिबे आपन ए घटना रे मुख्य अभिजुक्त जाकू कह जाउची मिट्टू बारिक से उचंती कह जाउची जे सरपंच रहिछंती तांकर पुओ रहिछंती एवं तांक से तांको प्ररोचना रे पूरा कारबार होईची जो गुंडा माने आसीथिले जो दुर्बृत्त माने आसीथिले बाइक रे आसीले हटात एमानकु धमक चमक देले जो महिला माने लगातार 3 दिन धरी प्रतिवाद करि आसुथिले सोर उठै आसुथिले तमे एटु हटि जा तमर कोनोसी कथा के सुनिबेनी प्रशासन आमर सरकार आमर आमे जहां चाहिबु करिबु एफले धमक देइतिबार मध्ये अभिजोग आसुछ। कुआ जाउची जो 3 पंचायतवासी आंदोलन करुथिले स्थानीय विधायक प्रसाद मुदुली और जलसंपद मंत्री रघुनंदन दास को समर्थन होती एमाने जो माने कि महिला को आक्रमण करछंती किंतु घटना को दीर्घ घंटा बितलानी वर्तमान पर्यंत कोनोसी कार्यनुष्ठान हेनी जे प्रकृतरे कोन जेतेबेले साधारण लोकटिए पई आईन रहिछि तबे जदि आपण शासक दल समर्थित जदि आपण सरकारी दल रे रहिछंती तबे आपणक पई आईन अलग आइ जाउछि अर्थात जेतेबेले अभिजोग हेउछि ए पर्यंत काही की कार्यनुष्ठान होइनी ता सबटु बड़ा प्रश्न। जगतसिंहपुर प्रतिनिधि मानस कानुर्ग अछंती आम सहित मानस पूरा रिपोर्ट आपण दैछंती आमे लगातार भाबे खबर प्रसारण करछंती एति पई संविधान रो प्रणेता बी आर अंबेडकर को किबळे भाबे अपमान करा जाउची तांको फोटो को फिंगी दिया जाउची सबटु बड़ कथा होची गोटिए पटे नरेगारे दुर्नीति देखिबा के मिलुची आ जेतेबेले सोर उठा जाउची मा को सम्मान कोथिबा सरकार निज दलीय कर्मी को एया नीति शिक्षा देइछंती जे जाउछंती राती अधिया माडो मारुछंती फुंगा फपडा करुछंती कार्यनुष्ठान केते बाट गलानी। हाँ देखु ये कार्यानुषान कथ आप कौन आम गत 3 दिन है लगातार खबर प्रसारण कर गणमाध्यम खबर प्रकाशन पर पुलिस प्रशासन एपर्तंत मुख्य आसामी जे मिट्टू बारिक गिरफ्त करें यहाँ गोटे बड़ निंदनीय घटना गोटेपटे देखो जो मैंने जो महिला मैंने बसी नार्य अधिकार आज पर्यटन देखो मुझे पचपटे देखी महिला मैंने आज भी बस दीर्घ आज की 12 दिन है जो अधिकार नार्य दाबी नार्य हक हक पाई
ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। କେବଳ କାମ ବଳରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କହର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପେଟକୁ ଦାନା ପାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତା ବଦଳରେ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିବା କଥା ତା ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବାର ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିଜିକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଆମେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ବାର ଦିନ ହେଲେ ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ତାଲା ପକାଇ ତା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାରୁନଥି ଏବଂ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଚିରିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ରହିଲେ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ସିଏ ପାଦରେ ଜଳିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାକର କଥା। ଇଏ କେବଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ଅଧିକାର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଇସ୍ୟୁ। ଯେଉଁଠିକି ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଆଜି ସେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ତା'ର ନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି କି ଯେଉଁ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରହିଲେ ମିଟୁ ବାରିକ, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ। କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦୌଡ଼େ? କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆକରି ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକି ଗିରଫ କରାଯାଇପାରୁନି? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନିଲ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁଜନ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି, କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାକୁ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଆଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ମହାନାୟକ ବା ମହାପୁରୁଷ, ଏବଂ ଯିଏ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ସେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଆଇନ ବଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ମହାମାନବକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନ କରାଗଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କି ଶିକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର 1 ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର 1 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରାଗଲା, ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବୁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର, ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଭାବରେ ଗାଳି କରାଗଲା ରାତି 2ଟାରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଟଚ୍ ବି କରି ଦିଆଯାଏ ସେଟା ଆସଲ୍ଟରେ ଯିବ, ଆସଲ୍ଟ ମାନେ ଅସଦାଚରଣରେ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ରାତି 2ଟାରେ। ତାଙ୍କର କେଉଁ ସାହସରେ, କାହା ଅଧିକାରରେ, କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେମାନେ ଆସି ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟଚ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଅସଦାଚରଣ କଲେ? ତା ସତ୍ୟ ବୋଧ ମିଟୁ ବାରିକ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ସେ ଏଠି ବ୍ଲକରେ ପଶୁଛି, ତାକୁ ଏଠି ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଟା ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ପରିତାପ ରହିଛି। କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଗତ 24 ଡିସେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ନାଉଗାଁ ମାଟିରେ। ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନିରବ ଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଯେ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ବରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ନାକା ନାଲାୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଇଠି ପଦବୀରେ ବସିବାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗତ ଯେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଏଠି ବୁଲୁଥିଲା, ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ନିଜେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଜବାବ କଲେ, ତାମାନେ ସେଠୁ କାଇଁ ସେ ସୁଧୁରିଲା? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କିଏ କାହାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ପୁରା ଆତଙ୍କରାଜ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ହଳଧର ସେଠୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ, ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
एमिती आतंकराज चली जगत सिंहपुर नाउगारे निज हक जिते लड़े करक्रमण कर आउ खोद जी रही संविधान प्रणेता किभली अपमान कर दल मुखिया निज चिठी लिखिते जे संविधान रे अहिंसा को स्थान दिया जाउ ये अहिंसार प्रतिफलन एमती चित्र सामना को आसुचे जेते बेले नियाती प्रश्नवाची सृष्टि होउची। ए आपण देखंतु गत यूपीए सरकार समय रे एमजी एनआरजे प्रोग्राम कराहिथिला कौनसी लोक भोकिला रहिबे नै समस्त को खाद्य सुरक्षा योजना रे शामिल करा जाइथिला एवं समस्ते रोजगारक्षम हेबे जेते दरिद्र श्रेणी लोक हुंतु ना काहेकि समस्त को काम जोगाइ दिया जीव ए योजना माध्यम रे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना जो होइथिला सेथिरे समस्त को काम जोगाइ दिया जीव ए व्यवस्था करा जाइथिला। दुख एवं परितापर विषय आज ओडिशा सरकार बिजु जनता दल सरकार रे यही योजनाटी किभली भावरे पराहत होइछि किभली भावरे ए योजना को सेमाने तिल तिल करी बाट मारणा करुछंती से योजनार अर्थ को तोषारपात करा जाउछि एवं योजना रे लोकमानक द्वारा श्रमिक मानक द्वारा काम करिया पय थिला बेले सेठी मेसिन काम करुछि एवं का भा जोठी भी काम करुछंती गरीब श्रेणी रे लोक दरिद्र लोक से मानकु तांकर प्राप्य दिया जाउनी मजूरी दिया जाउनी जोथी पय नाउगाँ ब्लॉक सम्मुखरे जो श्रमिक श्रेणीर अनुसूचित जाति लोक बसिछंती धारणा देकरी तांको गुहारी सुनिबा तो दूर कथा ये नवीन सरकार समय तांकर नेता मंत्री एवं प्रशासक जे वीडियो अछंती तांकर दायित्व से लोकंकर गुहारी सुनिबे लोकंकर दाबी प्रति अनुध्यान करिबे एवं जदि सेमाने पैसा पाइनांती ताले संपृक्त जी से प्रोजेक्ट काम करुछंती जो सरपंच दायित्व नहींचंती सांगरे आलोचना करा जाए किभली से पैसा पाइबे मजूरी केमती पाइबे एवं जो काम चालू से मेसीन राम बंद करा जाए किभली लोक मान द्वारा सीधा सड़क काम करा जीवो से कथाटी से विचार न करी दीर्घ बार दिन तेरह दिन आसी हेलानी ये लोक धारणा रे बसचंती ये होची बिजु जनता दल एवं नवीन पटनायक सरकार पई एक लज्जाकर घटना से सरकार को मु आह्वान करुची जे आम आह्वान करुचु जे साधारण जनता न्याय आउ के मिल मुख्यमंत्री तो कही दौंट आम साधारण जनता सेवा करुचु किंतु ये प्राक्टिकाली ये हूँ कौन जो लोक मैंने से धारणा बस कौन भारतर जनगण नुहंती राति बारटा साढ़े बारटा बेले जो जुलम है अत्याचार करागला शाढ़ी टाणी चिरी दिगला ब्लाउज टाणी चिरी दिगला घोषाड़ी की तले पक बाड़े एवं जीए बाड़ेला ताकू आज गिरफ करा जाउनी एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर फोटो को जो भली भाव रे पादरे दळी की भांगी नष्ट करा जाय छी ये होची जो सेठी जीए माडो बारी छंती को जाउ छी ये होउ छंती सरपंच को पुओ जे रही छंती अभिजुक्त को भितरे अर्थात जो मन रही छंती दुर्बुत तांको भितरे सरपंच को पुओ आसु छंती आ यारी मध्ये रे विधायक प्रसाद मुदुली एवं जलसंपद मंत्री रघुनंदन दास को समर्थक मध्य आपंक कौ लगुच पूर्व अनेक उदाहरण रही जिते शासक दल कुजी नेता हूँ कि संपृक्ति था शासक दल सहित तेज से बे आराम खसी जाती आप कथार अनुमान करते हैं दीर्घ समय होगला अभोग धरी पार नहीं पुलिस मुत मत तो आश्चर्य लगुच मु आज एसपी को फोन करी जी आज से घटना जगह जी से जो आई आई सी महाशय अच्छा से आई आई सी महासंघर कौन किसी कांड ज्ञान अच्छी ना ना आईन कानून से जानते ना ना आपण जिते बड़े दलित लोकगुड़िक अनुसूचित जातिर लोकगुड़िक गोटे एतला देतलाटा मुझे पढ़ुली एतला निर्दिष्ट भाव से लिखिंटे आम अनुसूचित जातिर लोक आम पर अत्याचार हो जो मैंने अत्याचार कर सब उच्चवर्गर लोक ये कथा जिते बतलार लिखाही से धारा तीन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण आईन धारा तीन कौन पर लग जाए मुझे प्रश्न करने चाहूँगी जिला प्रशासन को एवं एसपी महोदय को प्रश्न करुच्ची जगत सिंहपुर ये अखिलेश सिंह अखिलेश्वर सिंह महाशय अच्छा से जड़े टाणुआ आईपीएस अफिसर मुझे तरह से पूरी थे कटक से भल अफिसर जड़े कि दृष्टि को यहाँ जा ना मुझे जापर ना मुझे आलोचना करी मु गत काली लिखित भाव में यह बाबद अभोग कर सारी आज पर्यंत जदि कार्यानुष्ठान से नहीं पारना निश्चित भाव में ये परितापर विषय एवं ये आम न्याय पाइबू ये आशा करूँ तेणु आम आशा करुचु
त्वरित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो रही केन्द्र सरकार मुझे सका निर्देशक जी अच्छा अनुसूचित जाति आयोग रीजनल डायरेक्टर जी अच्छा कलिकतार ओभर फोन कथा होगा सांगे से एसपी सांगे एवं चिठी देवे डिरेक्शन देवे कि मत आश्चर्य लगुच जिला प्रशासन किभली भाव में नीरव रही जो गरीब लोक गुड़िक धारण में बच्चे अभिजोग प्रति कौन कर्णपात करें दलित आदिवासी जो मैंने निज हक लड़े करते तो नरेगा योजन काम मिलूनी निज हक लड़े कर रात अदिया माड़ मरा जामतीक आम्बेदकर फटो को असम्मान करे यार बदले आपको कौन लगुच जो आदिवासी दलित आदिवासी रही भोट्रे हि आज से गादी में बस गोटे सेकेंड लगे गादी हटेबाई तबे जो भोट पाई से आज गादी में बस लोक कम से कम साजोग कर अधिकार आवश्यकता रही आपण को कौन लगुच कहले आप स्टार ने एसपी सहित कथे लगुच को प्रकृत में विरोध में कार्यानुष्ठान नहीं कार्यानुष्ठान हवा कथा आईन जहाँ कौच सुप्रीमकोर्ट मान्यवर सुप्रीमकोर्ट गत 2011 मसीहा 2011 मसीह गोटे अर्डर करते समस्त जिलापाल एसपी को से कम्युनिकेट कराई से अर्डर टी होम डिपार्टमेंट आम जो गृह विभाग अच्छी ओडिशा सरकार से कम्युनिकेट कर फर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस से त्वरित न्याय देवाई अनुसूचित जाति लोक जो मैंने क्षतिग्रस्त होती न्याय देवाई से व्यवस्था कराई जो पुलिस अधिकारी से नजर में थी दृष्टि थी गोटे घटना रो आशंका थी घटी पारे जदि अनुसूचित जाति लोक जो अच्छा विपद आसवर संभावना अच्छी किंबा विपद आसी सारापर पाखे खबर पहुँचला से जदि त्वरित कार्यानुषान नियति गिरफ न करती आसामी मानू एवं एतला ठीक से रुजु न करती ताहले उपरिस्थ अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जी अच्छा एसपी हुंतु किंबा डीजी हुंतु सीए सस्पेंड करेंगे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हबो ये सबू से सुप्रीम कोर्ट निर्देश अच्छी एक मुझे दृष्टि आकर्षण करी होम डिपार्टमेंट आगु कम्युनिकेट करी किंतु ये न्याय विचार केबे आउ जिला प्रशासन कर पुलिस प्रशासन कर मत तो आश्चर्य लगुच तेणु मुझे अनुरोध करुच्ची जातीय अनुसूचित जाति आयोग जो रही आमर केन्द्र सरकार अनुरोध करुच्ची से केन्द्र सरकार कमिशन यथाशीघ्र स्पॉट विजिट करी ये लोक न्याय दौ नचे ये कमिशन भी निरर्थक हो केन्द्र सरकार कमिशन जितेबाला डॉक्टर पीएल पुनिया थे यूपीए सरकार समय नजर को जब यही घटना आसी था सी हूँ तो त्वरित चली आसी था कि मुझे अनुरोध करुच्ची जे केंद्र सरकार जो अच्छा अनुसूचित जाति आयोग शेष प्रश्न रही कांग्रेस नेता हिसाब से जितेबाला आम्बेदकर को फोटो को असम्मान दलित जो रही आदिवासी असम्मान माँ को असम्मान तेज कांग्रेस स्टैंड कौन रहा आप स्टैंड कौन रहा स्पष्ट मुँ कहली जितेबाला डॉक्टर पीएल पुनिया थे अध्यक्ष अनुसूचित जाति कमिशन केन्द्रीय कमिशन से धारा 338 मुताबक ये कमिशन है संविधान मुताबक ये कमिशन नैतिक कर्तव्य रोचे डिरेक्शन रोचे प्रत्येक जनसाधारण अनुसूचित जाति जनजाति वर्गर तांकु सुरक्षा जगैबा सामाजिक सुरक्षा जगैबा आर्थिक सुरक्षा जगैबा राजनैतिक सुरक्षा जगैबापी ये कमिशन गठन कराई ये कमिशन ये सरकार वर्तमान केंद्र सरकार ये कमिशन संपूर्ण कमिशन नियुक्ति कर सारी मुझे अनुरोध करी केंद्र सरकार को कमिशन अध्यक्ष को से यथाशीघ्र स्पॉट विजिट करूँ एवं लोक न्याय दिंतु नचे अनुसूचित जातिर लोक के न्याय पाई ना अतीतर मुझे गोटे घटना मन पकई दौर से जगत सिंहपुर जिले में गोटे झील को उल्लग्न कर तार नाकेट फटो सब मरा जाता गाँ रास्तार से झीटी सुसाइड करदेला से समय जे थे जोगेन्द्र पासवान अनेबल मेम्बर कमिशन कर से आसी स्पॉट विजिट करते न्याय दिगलानी से जिले में तेणु ये हूँ परवर्ती घटना एक संगीन मामला अनुसूचित जाति लोक बारंबार अत्याचार होवल जगत सिंहपुर जिला नुहे
केन्द्रापड़ा होती कलाहांडी सेठी अपेक्षा जे कौन कार्यानुष्ठान अभियुक्त विरोध में ना पूरा सामना को आसी सारी ना पुलिस एभली क्षेत्र में टालटुल नीति अवलंबन करे दोषी जेहेतु शासक दल सहित संपृक्त समर्थनकारी से खसी जाऊँचर नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित हलधर सेठी कांग्रेस नेता आम सहित जोड़ी थे मानस कानून को आम जगत सिंहपुर प्रतिनिधि समय सही बिग ब्रेकिंग को नमस्कार।